तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत करते हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं फुटबॉल ट्रायल्स के ऊपर। वैसे तो देखा जाए झारखंड में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन टैलेंट को सही टाइम पे मौका नहीं मिलता है, जिसके वजह से टैलेंट कहीं गुम हो जाते हैं। तो जमशेदपुर FC एक मौका दे रही है उस टैलेंट को निखरने के लिए। तो आप ट्रायल्स में जाओ, ट्रायल्स में सेलेक्ट हो, जमशेदपुर FC का नाम रोशन करो, झारखंड का नाम रोशन करो, साथ में हमारे देश का नाम रोशन करो। और ये ट्रायल्स कब होने वाला है और कहाँ होने वाला है और हम ट्रायल्स कैसे दे सकते हैं, इसके लिए आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हम इस वीडियो में आपको सारा चीज़ बताएंगे। सबसे पहली बात, ये नॉन रेसिडेंशियल ट्रायल है, मतलब यहाँ आपको सिर्फ ट्रेनिंग का सुविधा मिलेगा, रहने का सुविधा नहीं मिलेगा। और ये ट्रायल्स सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जो लोग जमशेदपुर में रहते हैं या फिर जमशेदपुर के आसपास रहते हैं, और जिनका जन्म 1 जनवरी 2015 से लेकर 31 दिसंबर 2016 तक के बीच में हुआ है, वही लोग इस ट्रायल्स को दे सकते हैं। मतलब 8 और 9 साल के बच्चे इस ट्रायल को दे सकते हैं। आपको ट्रायल्स देने के लिए इस टाइप का आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, और फॉर्म के साथ आधार कार्ड, साथ में डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो को आप 17 अक्टूबर से पहले जमा कर दीजिए, आपको ट्रायल्स के लिए बुलाया जाएगा। और ये फॉर्म जो है मंगलवार और गुरुवार को ही 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक में जमा कर सकते हैं। तो यही था ट्रायल्स अपडेट, आपको फिर से एक बार बता देते हैं। ट्रायल्स में जिसका जन्म 1 जनवरी 2015 से लेकर 31 दिसंबर 2016 के बीच में हुआ, वही लोग ट्रायल दे सकते हैं। और जो लोग जमशेदपुर या फिर जमशेदपुर के आसपास रहते हैं वही लोग इस ट्रायल को दे सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें से आपको ट्रेनिंग का फैसिलिटी मिलेगा, रहने का सुविधा नहीं मिलेगा। तो इन्फॉर्मेशन कैसा लगा? इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।